किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए यूपी से दिल्ली में प्रवेश करने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। इसके बावजूद हजारों किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुस गए हैं। हालांकि पुलिस इन्हें रोकने के लिए पानी की बुशार और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान दर्जनों किसान घायल हुए हैं। इधर राजनाथ सिंह ने नरेश टिकैत से फोन पर बात की और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब एक पत्रकार ने किसानों की पद यात्रा के बारे में पूछा तो वो बोले कि आखिर क्यों किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा, उन्हें दिल्ली में घुसने दिया जाना चाहिए, यह गलत बात है, हम किसानों के साथ हैं। किसानों को आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह का समर्थन मिला है। गौरतलब है कि किसानों ने शर्त रखी है कि सरकार के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह बात करने के लिए मंगलवार को किसान घाट आएं। उन्होंने दिल्ली में घुसने पर रोक और धारा 144 हटाने की भी शर्त रखी।